अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? ए टर्म दैट हैज फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसा टर्म होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, -5, -10 एट्सेट्रा, ये सारे वैल्यूज़ ऐसे हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते। जहाँ पर भी आपको 2 दिखाई देगा वो 2 ही होगा। तो कांस्टेंट एक ऐसा टर्म होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। दूसरे नंबर पर हमारे पास है वेरिएबल। ए टर्म दैट डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसा टर्म होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ इक्वेशन में इसकी वेरिएबल की वैल्यू मुख्तलिफ होती है। इस टर्म की वैल्यू मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स, वाई, जेड, पी, टी एट्सेट्रा। अगर हम x की बात करें तो मुख्तलिफ जगह पर x की वैल्यू भी मुख्तलिफ होती है। एक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 होती है सॉल्व करने से, तो दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू -3 आएगा। इस तरह एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में इस टर्म की वैल्यू वेरी करेगा। इस तरह y, z, p, t ये सारे हमारे पास वेरिएबल्स हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास है अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन ऑपरेशंस को अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, एक मैथमेटिकल जुमला होता है जो कि कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक ऑपरेशंस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेशंस की जो कॉम्बिनेशन है, इससे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x+3 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये कांस्टेंट, अलजेब्रिक ऑपरेशन और वेरिएबल की कॉम्बिनेशन से बना है। इस तरह x² + 3x+2 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेशंस की कॉम्बिनेशन से बना है। और पांचवे नंबर पर हमारे पास है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक ऑपरेशन एंड साइन ऑफ इक्वेलिटी। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इसमें कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं, लेकिन इक्वेशन में कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेशन के अलावा साइन ऑफ इक्वेलिटी भी होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में साइन ऑफ इक्वेलिटी नहीं होती, लेकिन इक्वेशन में साइन ऑफ इक्वेलिटी होती है। इक्वेशन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें साइन ऑफ इक्वेलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x+3 = 0। यहाँ पर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, अलजेब्रिक ऑपरेशन भी है और साथ साथ साइन ऑफ इक्वेलिटी भी है। और यहाँ पर 0 है, 0 की जगह वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, कोई और टर्म भी होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 0 लिख दी है। आप यहाँ 0 की जगह एक्स कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हो। तो कांस्टेंट ऐसा टर्म होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल ऐसे टर्म होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है, अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेशन की कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ हम साइन ऑफ इक्वेलिटी लगाएंगे तो यह हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा।